केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मेघालय में स्वरोजगार के और अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्त और ऋण गारंटी उपलब्ध कराकर छोटे व्यवसायियों की मदद कर रही है। हमारे शिलंग संवाददाता ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 11,000 लाभान्वितों को 170 करोड़ रुपए के ऋण मुहैया कराए गए हैं। मेघालय में नए उद्यमियों को विकसित करने और छोटे कारोबारियों को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बना रही है। तुरा जिले के सनी हिल्स गांव में रहने वाली क्रिस बालीन मारक बचपन से टेलरिंग और बेकरी के काम में रुचि रखती थी। उनका सपना तब साकार हुआ जब उन्हें मुद्रा योजना के तहत बैंक से लोन मिला। आज वो टेलरिंग और बेकरी का प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रही है। मैंने मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया। मुझे इंडस्ट्री ऑफिस से इस योजना के बारे में पता चला। मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे ऋण के बारे में बताया है। ये ऋण मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है और एक बार ऋण खत्म होने के बाद मैं और बड़ा ऋण लेकर अपना काम बढ़ाऊंगी। चितोटक गांव की एक अन्य लाभार्थी बिजली बसफोरे ने भी मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त किया। वह पहले बेरोजगार थी, अब वो किराना सामान की दुकान चला रही है। मुझे ये मुद्रा स्कीम के बारे में मेघालय रूरल बैंक से पता चला। मुझे 50,000 लोन दिया गया जिससे मैं एक दुकान कर पा रही हूँ। छोटा छोटा सामान रखा है मैंने, अलग से मैं एक सिलाई मशीन रखा है, उसको मैं यूज करती हूँ। ये लोन ने मुझे बहुत सहायता दी और मुझे दूसरों से कर्ज लेने से मुक्ति मिला। राज्य में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी बैंक ग्रामीण लोगों के लिए हर महीने वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिलांग से मैं समीर वर्मा।